नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस वक्त मैं केशवपुरम इलाके में मौजूद हूं, वजीरपुर विधानसभा विधायक राजेश गुप्ता। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सुंदर कांड पाठ का आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ विधायक राजेश गुप्ता ने तीसरी बार मोर्चा मारने के लिए अपने कार्यालय का उद्घाटन भी आज एक कार्यालय की शुरुआत कर दी है। इस शुरुआत को लेकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन है, भव्य भंडारे का आयोजन है और साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं और आसपास की जो आम जनता है वो सब लोग आज विधायक राजेश गुप्ता को तीसरी बार विधायक बनने का आशीर्वाद देने के लिए इस सुंदरकांड पाठ में आ चुके हैं। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इलाके के जो लोग हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं उनका क्या कहना है, क्या नजरिया है और किस तरह से आशीर्वाद वो विधायक राजेश गुप्ता को तीसरी बार विधायक बनने का दे रहे हैं। देखो जी, मेरा नाम एसके बडोला है और मैं वरिष्ठ नागरिक संस्था का अध्यक्ष हूँ। राजेश गुप्ता जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, बड़े सक्षम योग्य और प्रवीण विधायक हैं और हम तो ये चाहेंगे हमारे राजेश गुप्ता जी इस इलाके में जो उनको जो है वो विकास की सीढ़ियों पे पहुँचे। वो अभी जो है इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन होगा तो यहाँ पर आज हमारे राजेश गुप्ता जी ने सुंदरकांड का पाठ रखा। पहले उन्होंने हवन किया है, सुंदरकांड का पाठ रखा है केशवपुरम में और ये सुनने में भी आया है कि उन्होंने इस घर को उन्होंने खुद खरीद भी लिया है। अब हमारे पड़ोसी हो जाएंगे, आज तक हमारे नेता थे और हमारे पड़ोसी हैं और हम ये चाहेंगे कि राजेश गुप्ता जी योग्य जैसे प्रशासक को दोबारा जो है दिल्ली में जो है इनको इसी सीट पर आना चाहिए और हम उसे पर शुभकामना देते हैं। गुप्ता जी, जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे जो भी हो कि विधायक को पिछले जो है 10 साल से दिल्ली में जो है दिल्ली यहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आगे भी जो है योग्य विधायक को आने में जनता में हमारा कोई भी संदेह नहीं है। हम जनता को ये कहेंगे कि अपने योग्य विधायक को योग्य पार्षद जो भी हमारे निगम पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, जो भी हमारे योग्य हैं उनको जो है दोबारा आना चाहिए, दोबारा उनको वोट दी जाइए और हमारे राजेश गुप्ता जी इस चीज़ के लिए प्रवीण है, परफेक्ट है। विधायक जी बड़े अच्छे आदमी हैं, इंसान भी अच्छे हैं और विधायक यहाँ से लगातार जीत रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो यहाँ के जनता के लिए काम किया है, कई सड़कें का काम किया है, कई कुछ और नए नए काम किए हैं, पार्कों को सुधारना, बुड्ढों के पेंशन का हिसाब है वो बढ़ाई है, तो उन्होंने उनके जो काम है काम खुद बोलेंगे, वो उनको खुद जिता रहे हैं, हम क्या जिताएंगे, जनता तो उनके साथ है। हमारे विधायक राजेश गुप्ता जी एक नेक इंसान है और हम कोई भी काम करने को कहते हैं तो वो हमारा कोशिश करते हैं। जो भी उनके अभी जैसे सड़क बनने के बारे में, जो मैं सीटू की निवासी हूँ, सीटू की प्रेसिडेंट हूँ, तो एक सड़क हमारी बहुत सालों से टूटी पड़ी हुई है डिस्पेंसरी के सामने। हमने उनको रिक्वेस्ट करा कि वो सड़क बनवाओ तो उसका बजट पास हो गया, उन्होंने कोशिश करी है और इसकी संभावना है कि वो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हमारा उनके साथ आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएँ भी हैं। आज उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया है इसलिए हम उनको अटेंड करने के लिए आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं हमारे। देखिए, 10 साल जो विधायक राजेश गुप्ता जी ने पूरी विधानसभा में जो काम किया है उसी का नतीजा है कि तीसरी बार भी राजेश गुप्ता जी को पार्टी टिकट देने वाली है और तीसरी बार सिर्फ टिकट नहीं, प्रचंड बहुमत से इस बार वो जीतने वाले हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि पिछले 10 सालों में वो जनता के बीच में थे, जनता के कार्य कर रहे थे, जहीं कहीं भी कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती थी, ना कभी वो समय देखते थे ना वो दिन देखते थे, उन सारे कामों को उन्होंने उस एक एक एमएलए होते हुए, एक विधायक होते हुए, जो जनता की उनसे उम्मीद थी उस पर खड़े उतरे हैं। इसी कारण की वजह से पार्टी ने उन्हें तीसरी बार की टिकट दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में वो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं और तीसरी बार जब विधायक बनेंगे तो और जो काम रह गए हैं उनकी तरफ से उनको वो पूरा करेंगे। जनता से अपील यही है कि जो 10 सालों में उन्होंने विधायक राजेश गुप्ता जी ने हमारे विधानसभा में कार्य किए हैं उसको सुचारू रूप से चलने रहने के लिए वो रुके ना। जो अरविंद जी की जो स्कीम्स हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, वो अगर लगातार बढ़ती रहें तो दिल्ली वासियों से और वजीरपुर वासियों से मेरी एक ही उम्मीद है कि वो इस बार भी प्रचंड बहुमत से विधायक राजेश गुप्ता को जिताएं, आम आदमी पार्टी को जिताएं और राजेश गुप्ता जी से मेरी वो एक ही शुभकामना है कि वो तीसरी बार विधायक बने,
और हम उनके साथ खड़े हैं। जितनी हमारे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे, जो जी जान से मेहनत करते आए हैं आगे भी करेंगे और उनको जिता के वापस लेके आएंगे तीसरी बार। आपने देखा कि इस सुंदरकांड पाठ के आयोजन के अंदर जो लोग आए हुए हैं, जिसमें कार्यकर्ता भी हैं और इलाके के आम लोग भी शामिल हैं, इन्होंने विधायक राजेश गुप्ता को तीसरी बार विधायक बनने का जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद कितना रंग लाता है ये आने वाला समय बताएगा ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।